नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भी एक वीडियो ऑन डिमांड ही है, क्योंकि आजकल आप लोग चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज है लोगों की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को पढ़ के आपको मैं रिप्लाई दे सकूँ, और उसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं कि होम्योपैथी और होम्योपैथिक फिटर्निटी के जो काम आएंगे, मैं उनके ऊपर बड़ा प्रॉम्प्टली कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ। अब दोस्तों, उसी तरह से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल जितना वॉच टाइम आ रहा है, 70% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो दोस्तों, अगर आप घंटों देख रहे हो चैनल को, मतलब कहीं ना कहीं है कि आप पसंद तो कर रहे हो ना, तो भाई हमारे प्रोत्साहन के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और आप जो है इस वीडियो को अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सको, खासकर उन लोगों के साथ जो होम्योपैथिक फील्ड में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो है वीडियो है ये डिमांड पे है दो सब्सक्राइबर के। एक है मिस्टर सैयद तलुकदार, हाँ तलुकदार, सैयद तलुकदार, ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू चार्ज द पेशेंट इन अ इफेक्टिव वे, गिव अ जनरल आइडिया, है ना। उनने ये बोला है कि भाई जनरल आइडिया चाहिए कि भैया क्या इसको हम पेशेंट क्या को चार्ज क्या करना है हमको, है ना, सो दैट द इनकम इज ऑल्सो गुड। इनने फिर से कमेंट सेक्शन में खुद के कमेंट के नीचे एक और कमेंट किया, सो दैट द इनकम ऑफ अ डॉक्टर की बात हो रही है ऑब्वियसली, इज ऑल्सो गुड एंड द पेशेंट ऑल्सो फील लाइक गिविंग मनी टू द डॉक्टर। ये होम्योपैथिक डॉक्टर को पैसे मिलने के बारे में बात हो रही है। मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। तो सैयद तलुकदार जी, पहले तो बहुत बड़ा शाउट आउट आपको कि आपने भाई कमेंट करने की जहमत करी और अच्छा टॉपिक के ऊपर आपने सवाल किया। जो दूसरा कमेंट है, पारुल मेहता जी कर रही हैं, ये भी एक्चुअली ये कमेंट इसलिए दो मैं साथ में ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का टॉपिक सेम है। ये बस ये हमसे पूछ रहे हैं कि होम्योपैथ जो होता है उसको फीस क्या चार्ज करनी चाहिए, है ना। रेस्पेक्टेड सर, इफ आई चार्ज ₹200 फॉर कंसल्टेशन, जिसके अंदर मेडिसिन इंक्लूडेड है, हाउ आई विल चार्ज फॉर द फॉलोअप। फॉलोअप में मेरे को क्या चार्ज लेना है, कि कंसल्टेशन मतलब फर्स्ट टाइम पेशेंट आया तो पारोल जी कह रही हैं उनने ₹200 लेती हैं वो, और वो उसके अंदर मेडिसिन इंक्लूड करके रहता है वो। और अब ये पूछ रही हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरे को फॉलोअप में क्या चार्ज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इस वीडियो को शुरुआत में मैं आपसे एक बात जो कहना चाहूँगा कि ये हमारा बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है कि आज भी हमको ऐसे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने पड़ रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। अब ये बातों को समझने से पहले आपको मैं कुछ छोटी सी चीज़, एक छोटी सी हिस्ट्री सुनाना चाहूँगा कि होम्योपैथी की यह हालत इंडिया में क्यों है। देखिए, अपन आज किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपन चर्चा इस बारे में कर रहे हैं कि भाई हमको अपने पेशेंट से कैसे इफेक्टिवली चार्ज करना चाहिए। अब चार्ज करने में होम्योपैथ को दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि होम्योपैथी की आउटर वर्ल्ड के अंदर वैल्यू जो है वो खराब है, खराब कई कारणों से, उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा कि होम्योपैथी की वैल्यू क्यों खराब हुई। खराब इसलिए हुई क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग उसकी वैल्यू खराब कर रहे हैं, इसलिए होम्योपैथी की वैल्यू खराब हुई। और इसलिए आज हमारे को ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमको अपना फीस स्ट्रक्चर डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम उससे किस तरह से पैसे चार्ज करें, जबकि हम सबसे टॉप नॉच सर्विसेज दे रहे हैं। होम्योपैथी के अंदर ही रैशनल ट्रीटमेंट है किसी भी बीमारी का, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। हम जो एलो होम्योपैथी है, होम्योपैथी इज द ओनली लाइफ लाइन ऑफ द हेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। इस पूरे दुनिया की हेल्थ इंडस्ट्री के पास होम्योपैथी को आने वाले 100, 50, 100, 200, 300 सालों में, जब तक ये लोग इसको एज ए मेन स्ट्रीम पैथी नहीं कंसीडर करेंगे, इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। इनकी कितनी औकात थी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में, पूरी दुनिया ने देख लिया कि जितनी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूमते हैं ना, जो ग्लैमर लेके घूमते हैं, और इनकी कितनी औकात है, ये औकात हम तो देख रहे हैं 14 साल से। जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पहले दिन डे फर्स्ट से इनकी औकात जानता हूँ अच्छे से, और अब ये औकात पूरी दुनिया ने देख ली। पर हमारे लिए कितना दुर्भाग्य कि आज भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात,
एक एलोपैथ अगर एक बुखार का ट्रीटमेंट करता है तो उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस तरह से चार्ज करता है, पहले हम इस बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम अपने बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम लोगों की हालत इतनी खराब है क्यों, है ना। सबसे पहली चीज, एक एलोपैथिक डॉक्टर, एक अच्छा एमडी मेडिसिन, मैं बता रहा हूँ किसी भी एक मीडियम शहर में, ना ऐसा बहुत बड़ा शहर हो कि बॉम्बे दिल्ली जैसा मेट्रो हो, ना एकदम जिला स्तर का शहर हो, एक अच्छा ऑथेंटिक एमडी मेडिसिन की जो फीस है आज की तारीख में वो है मिनिमम 500 रुपये। एक अच्छा रिनाउंड अगर एमडी मेडिसिन होगा, एक एलोपैथिक एमडी प्रैक्टिशनर होगा, उनकी फीस होगी 500 रुपये। अगर एक फीवर के लिए आप गए तो 500 का पत्ता आपका ये साफ हुआ, ये एक केस की, एक पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, फिर वो एटलीस्ट आपसे 300-400 रुपये कम से कम इन्वेस्टिगेशन कराएगा। अरे कुछ कराएगा नहीं कराएगा, सीबीसी तो कराएगा ना, इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हैं इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने को, वो सीबीसी और कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएगा, 300-400 रुपये आपके ये गए। टिल नाउ उसके यहाँ कदम रखते से आपके 900 रुपये साफ हो गए, और ये हम एक प्लेन बुखार की बात कर रहे हैं, सिर्फ फीवर की बात कर रहे हैं और कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ क्रॉनिक नहीं है इसमें, है ना। 900 रुपये आपके अब चले गए, कम से कम वो आपको 5 दिन की मेडिसिन भी देगा, तो अगर बहुत मीडियम क्वालिटी की भी, मीडियम ब्रांड की भी लिखी उसने, तो कम से कम आपको 400-500 रुपये की दवाइयाँ लिखेगा, तो आपके 500 की दवाइयाँ, 500 फीस और रफली एक 500 का इन्वेस्टिगेशन समझे, तो एक एलोपैथ के पास जाना एक पेशेंट को एक सड़े से बुखार में, जो अगर वो कुछ नहीं करता तो शायद 2-3 दिन में खुद सही हो जाता, 1500 रुपये से उतरता है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये जानते हो कि क्रॉनिक डिजीज के अंदर ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज के लिए जनरली आदमी मिलना पसंद करता है एक डीएम डॉक्टर से, जैसे रूमेटोलॉजी है या कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है तो डीएम गैस्ट्रो के पास जाएगा, डीएम न्यूरो के पास जाएगा, कार्डियो के पास जाएगा। इन दैट केस जो 500 रुपये फीस है, ऐसे केस में, क्रॉनिक केस में, हम चलो रूमेटोलॉजी की बात करते हैं कि वो कि अपने शहर का टॉप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, 1000 रुपये उसका कंसल्टेशन होगा, वो बिना सीटी और एमआरआई के कुछ करने वाला है नहीं, ठीक है ना, एक सीटी एक एमआरआई उसने निकलवाया तो 1000+6500 का एमआरआई 7000 रुपये हुआ, और प्लस महीने भर की दवा भी लिखेगा तो 2000। तो देखिए ना, एक क्रॉनिक डिजीज के अंदर एक एलोपैथिक डीएम डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए उसको 10000 रुपये मिनिमम लगेंगे, आप ये समझो, ये 1 मंथ का कंसल्टेशन इंक्लूडिंग मेडिसिन इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन है। अब आप अपने बारे में सोचिए कि हम लोग कितना क्लासिक काम करते हैं, हम पूरा सिम्टोमेटोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, और जब हम सिम्टोमेटोलॉजी पर डिपेंड करते हैं तो हम जो है इन्वेस्टिगेशन की नेसेसिटी से बच जाते हैं, हमको नहीं है इतना नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। घुटने का दर्द है, एग्रेवेशन हो रहा है रेस्ट पे, मोशन से उसको फर्स्ट मोशन में एग्रेवेशन है, जब वो रेस्ट के बाद उठेगा पहली बार चलेगा तो बहुत दर्द होगा, पर रेगुलर जब वो रोलिंग में आ जाएगा, एक बार मोमेंट उसका रोलिंग में आ जाएगा तो उसको एमुलेशन होगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको क्या देना है, हमको पता होगा कि हमको रस्टॉक्स देनी है, पहली चीज। तो हम लोग जो है हमारी सिम्टोमेटोलॉजी के अंदर इतना डिटेल्ड हमको चीजें बताई गई हैं कि हम पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस, मायजम, टेम्परमेंट, ससेप्टिबिलिटी, है ना, सिम्टोमेटोलॉजी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, फिर मटेरियल से रेफरेंस, फिर रिपर्टरी से रेफरेंस, तो हमारे पास इतने सारे हथकंडे हैं, इतने सारे असला बारूद हैं हमारे मतलब क्या बोलते हैं कश्तर खाने में, कि हमको इन्वेस्टिगेशंस की जनरली जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पड़ती भी है तो भाई हम तो सबसे आखिरी में नंबर आता है ना, जब आदमी एलोपैथी से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास, तो जनरली हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस लेके आता है, तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं चार्ज करते उसको, हम उसका खर्चा थोड़ी करवा रहे हैं। और तीसरी चीज, हम रैशनली क्योर देते हैं उसको, हम उसको परमानेंट क्योर देते हैं, हम कोई उसका सप्रेशन नहीं कर रहे, हम उसको कोई पेलिएशन नहीं कर रहे। एक रूमेटिज्म के केस में लगता है भाई 6 महीने 8 महीने साल भर का इलाज करना पड़ता है, बट बंदा अल्टीमेटली सही होता है, तो हम क्या चीज बता रहे हैं, बचा रहे हैं उसको, भविष्य में उसको हो सकता है नी जॉइंट हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता, लाखों रुपए का ऑपरेशन, हम वो खर्चा बचा रहे हैं। तो भाई साहब आप देखिए कि एलोपैथ लोग लूट रहे हैं दुनिया को, ये आप सब जानते हैं, जितने भी होम्योपैथिक फील्ड में हैं, आप लोग जो आम लोग देख रहे हैं इन वीडियो को,
इस वीडियो को, जो आम लोग हैं जो मेडिकल फील्ड होम्योपैथी या एलोपैथी से बिलोंग नहीं करते, आप लोग भी जानते हैं कि सिर्फ एलोपैथी के अंदर सिर्फ लुटाई है, सिर्फ लूटना है, सिर्फ ये लोग जेब कत रहे हैं, सिर्फ ये लोग सिर्फ कमाना चाहते हैं। हम तो कम से कम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। तो दोस्तों, अब आपको मैंने बता दिया कि एक एलोपैथ कितनी बुरी तरह से एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में अपने पेशेंट की जेब को काटता है, और उसके एवज में, उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अब आते हैं अपन इस बारे में कि भाई हमारी फील्ड की ये क्यों हालत है, जो मैंने एकदम शुरू में जिससे चर्चा चालू करी थी। देखिए पारुल जी और देखिए सैयद जी, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होम्योपैथी जगत का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक रहा है कि हम लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। क्योंकि आदमी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक नहीं करेगा ना, दुनिया उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और हमारा ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे पैसे को चार्ज करने, मतलब हमारा मोनेटाइजेशन जो हम इस फील्ड, इस धंधों को करके जो मोनेटाइजेशन जिस तरह से जनरेट करते हैं, वो तरीका ही हमको ये समझाता है, उससे ही हमको पता लगता है कि हम खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई आपको क्या जरूरत है हिडन चार्जेस लेने की? अरे बोल के लो ना पैसे यार, छुट्टे बोल के पैसे लो, बात खत्म यहाँ पे। क्योंकि मेरे को एज अ होम्योपैथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक केस को निकालने में। मेरा नॉलेज टोटल अपनी फील्ड में प्लस दूसरी फील्ड में एक एलोपैथ से ज्यादा है। मैं भाई साहब चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि कोई भी स्पेशलाइजेशन का फील्ड का बंदा आप मेरे पास ले आओ, चलो आपने गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी वाला है, मेरे सामने डीएम खड़ा कर दो, और मैं जनरल बॉडी के ऊपर उससे सवाल करूंगा, और उसको नहीं रुला दिया मैंने 15 मिनट के अंदर तो धंधा करना छोड़ दूंगा, प्रैक्टिस छोड़ दूंगा मैं। मतलब कहने का स्पेशलाइजेशन करके ये गधे हो जाते हैं, ये सब भूल जाते हैं। एक रूमेटोलॉजी वाला सिर्फ जोड़ी जोड़ दिखते हैं, एंडोक्राइन वाला है सिर्फ एंडोक्राइन दिखता है, गैस्ट्रो वाला है गैस्ट्रो गैस्ट्रो दिखता है। तो एक होम्योपैथ, एक जनरल प्रैक्टिशनर को, कहने का मतलब एक होम्योपैथ एज ए जनरल प्रैक्टिशनर हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हम परमानेंट रिलीफ देते हैं पेशेंट को, हम उससे उसकी कई भविष्य में होने वाली इविल मेलेडीज को उससे आज हम ट्रीटमेंट करके अलग करते हैं। होम्योपैथी इज द ओनली रैशनल थेरेपी ऑन दिस होल ग्लोब, इस पूरी दुनिया में सिर्फ होम्योपैथी के अलावा और कोई पैथी अच्छी नहीं है, ऐसी कोई रैशनली काम करने वाली पैथी नहीं है। तो दोस्तों, जब मैं बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, मैं बेस्ट सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं बेस्ट तरीके से बेस्ट मेडिकेशन दे रहा हूँ और बेस्ट रिजल्ट दे रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों नहीं करूंगा चार्ज? और मेरे को क्यों सोचना पड़ रहा है चार्ज करने के पहले? जैसे कि पारुल जी पूछ रही कि मैंने 200 रुपीज उसको चार्ज करा। अब देखिए इफेक्टिवली सैयद जी और पारुल जी, मैं दोनों को और बाकी सारे डॉक्टर्स को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए आप दो तरह के चार्जेस आप रख सकते हो। पहला चार्जेस डिपेंड अपॉन डायरेक्टली ऑन द नॉलेज ऑफ द डॉक्टर, कि आप में से जो समझता है कि यार मेरे को बहुत नॉलेज है, होता है ना कि अपने को पता है, हमको नॉलेज है, पर हम उतना प्रिटेंड कर रहे हैं, हम उतना उम्मीद करते हैं पर हमको मिलता नहीं है। तो देखो आदमी को खुद के बारे में बहुत अच्छे से पता रहता है, आपको कितना नॉलेज है, या आप में से लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सबको पता है कि किसको कितना नॉलेज है, नॉलेज के हिसाब से किसका क्या स्टेटस है। तो भाई आपको जो फीस चार्ज करनी है वो नॉलेज के हिसाब से चार्ज करनी है। अब उसके चार्ज करने के दो या तीन तरीके हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला एक होता है पैकेज वाला तरीका, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। आप एक स्पेसिफिक मिनिमम नंबर ऑफ मेडिसिन डिसाइड करो, हर एक प्रैक्टिशनर का एक ट्रेंड होता है प्रैक्टिस करने का कि मैं कितनी मेडिसिन देता हूँ, है ना। मैं मल्टी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं एक से ज़्यादा मेडिसिन देता हूँ, कोई सिंगल प्रैक्टिस वाले होंगे तो वो भाई एक मेडिसिन दो मेडिसिन देते हैं, है ना। तो आप कितनी मेडिसिन दे रहे हो, एक मिनिमम आपको पता है ना कि हर एक पेशेंट को मैं कितनी दवाएं दे रहा हूँ, तो वो दवाओं का प्लस उसके अंदर आप एक अपना नॉलेज का चार्ज जोड़ के आप एक पैकेज तैयार कर सकते हो। ये पहला तरीका है जिस पे मैं काम करता हूँ। मैंने 15 डेज का पैकेज डिसाइड करके रखा है, मेरा 1 मंथ का पैकेज का फीस अलग है, चार्जेस अलग हैं, और मेरा जो है 2 मंथ का जो पैकेज है उसके चार्जेस अलग हैं, और उसके ऊपर जैसे जैसे मेडिसिन और डेज बढ़ेंगे मेरे चार्जेस बढ़ते जाते हैं। और ये चार्ज काय का है, ये मिनिमम मेडिकेशन का, जो मिनिमम सेट जिसके ऊपर ट्रेंड पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये उसका चार्ज है। अगर इसके अंदर मेडिसिन बढ़ती हैं, कोई ऐसा केस आ जाता है जैसे कैंसर का केस है, तो कैंसर के अंदर मदर टिंचर बायोकेमिक बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली देनी पड़ती हैं,
स्टोन है, मदर टिंचर भी चलेगा, बायोकेमिक भी चलेगी, होम्योपैथी, तो मिनिमम पैकेज के बेस प्राइस से मैंने डिसाइड करके रखा है। अगर ऐसा केस आया कि इस पर इससे ज़्यादा मेडिसिन जा रही है तो वो बढ़ेगा ही, पर मैं 15 दिन के लिए एक प्राइस है, एक महीने के लिए एक प्राइस है और 2 महीने के लिए एक प्राइस है, ये मेरा बेस प्राइस है। इस बेस प्राइस के नीचे मैं सर्विसेज नहीं देता, मैं देता ही नहीं सर्विसेज, ठीक है ना। एक और चीज, होम्योपैथ को तो लोग फ्री फंड का समझते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं कि सर मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, वो सलाह के नाम पे वो 15 मिनट तक मेरा टाइम खोटी करता है, मुझे डसता है, फन मारता है, तो वो फन खाने के मेरे चार्जेस अलग हैं, वो मैंने वहाँ पे अपने क्लिनिक के गेट पे लगा रखा है कि फॉर ओनली कंसल्टेशन दीज आर द चार्जेस, इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी रिगार्डिंग यूर एनी कंप्लेंट प्लीज डिपॉजिट दोज चार्जेस और मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए सैयद जी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, पारुल जी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रखना है। अरे ऐसा नहीं कर रहा पेशेंट पैसा देके, सीधी सी बात बता दूं। और ये जो लोग आप लोगों के सामने, मैं होम्योपैथ से बोल रहा हूँ स्पेशली, ये जो लोग आपके सामने आके ये रोना करते हैं ना, अपना रोना रोते हैं, अरे साहब वो तो होम्योपैथी में फीस नहीं होती और ये नहीं होती, उनको आप सीधा लात मार के मैं बाहर कर देता हूँ। और यही लोग जब फंसते हैं, जब हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं ना, तो इनके खीसे से इतने पैसे निकलते हैं कि हॉस्पिटल में वहाँ पे बोलता है ना दूसरे दिन रिसेप्शन पे कि 1 लाख जमा करा दो, तो वो 1 लाख जमा कराता है। तो मेरा ये कहना है भाई, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ यार, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ के आया हूँ, भारत का संविधान एक होम्योपैथ को BHMS करे हुए बंदे और MBBS को इक्विलेंट की डिग्री में रखता है। तो जब मेरी मेहनत उतनी नहीं, मेरी मेहनत सैलरी उससे ज़्यादा है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैं हूँ 37 का, 14 साल से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 14 साल के पहले 5.5 साल मेरे खपे BHMS में, तो 14 5.5 मिला लो रफली 20 साल हो गया। अब मैं 37 साल का हूँ, मैं जब 17 साल का था तब से मैं आज इस मकाम पे आने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मेरी आधी से ज़्यादा लाइफ पढ़ाई करते हुए बीत गई, 5.5 साल BHMS में खपाए, उसके बाद में 14 साल से प्रैक्टिस करके आज मैंने इतना नाम करा है कि आप लोग जैसे हजारों लोग मुझे सुन रहे हो चुपचाप बैठ के। मेहनत करी कि नहीं करी, तो पैसा कौन देगा? पूरी जवानी झोंकी ना एक डॉक्टर बनने में, एक मकाम पे पहुंचने में, तो जब जवानी झोंकी, जो सेक्रीफाइस करा, तो कोई तो कीमत चुकाएगा, और वो कीमत चुकाएगा आपका पेशेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, पेशेंट किसी का सगा नहीं होता है, ये बात अच्छे से गांठ बांध लेना जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या करने वाले हो। जिस दिन उसको आपने रिजल्ट नहीं दिया ना, 2 मिनट में लात मार के निकल जाएगा आपको। जिस दिन तक आप रिजल्ट दे रहे हो, उसके जेब में फिट बैठ रहे हो, उस दिन तक वो आपकी वाहवाही करेगा। मैं ऐसे सैकड़ों हजारों मेरे खुद के पेशेंट हैं जिनको मैंने मरते से बचाया है, अगर मैं नहीं होता तो वो मर जाता, बट आज वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, वो कितने बीमार थे उनकी हिस्ट्री मेरे को पता है। तो मेरा ये कहना है कि पेशेंट किसी का भी वफादार नहीं होता है, पेशेंट किसी का वफादार नहीं होता है, तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है। और पारुल जी, अगली विजिट में जब पेशेंट आएगा ना, आप उससे वही 200 रुपये चार्ज करेंगे, और आप या तो अब मैं पैकेज के बारे में बात कर रहा था, तो एक आपका मॉडल हो सकता है आपका पैकेज, कि भाई मेरा पैकेज ये है ना, कि भाई मैं 15 दिन का इतना पैकेज है, इसके अंदर मेडिसिन इंक्लूड करके, जैसे पारुल जी ने बताया। पर पारुल जी को कंफ्यूजन हो रहा है कि अगली बार पेशेंट आएगा तो मैं कितना चार्ज लूंगी। भाई लोगे आप पारुल जी, अगली बार भी आप 200 रुपये ही उससे चार्ज लोगे, क्योंकि आप ये समझिए होम्योपैथी की वैल्यू पता है क्यों हो गई इतनी खराब, क्योंकि लोग फीस चार्ज नहीं करते। और पेशेंट की एक मानसिकता पता है क्या होती है, जहां पैसा लगता है ना, वहीं उसको समझ में आता है कि मेरा इलाज हो रहा है। आप देखना कभी भी, ये मानसिकता होती है इनकी यही मानसिकता है कि इनका जब तक पैसे नहीं खर्च करवाओगे ना, तब तक इनको समझ में ही नहीं आएगा कि इलाज चल रहा है। वो आपको डॉक्टर ही नहीं मानेंगे, आप बताओ ना। अब आप बोल रही हो पहले विजिट में 100 रुपये लूंगी, दूसरे विजिट में आप बोल रही हो कि मैं शायद 100 रुपये, पहले में 200 लिए, अब आप दूसरे में 100 लेने को तैयार हो। अभी मैं बोलूंगा तो आप मान जाओगे कि हाँ सर मैं भी यही सोच रही थी कि मैं भी 100 लूँ। 100 रुपये में क्या मिलता है पारुल जी, 100 रुपये में क्या मिलता है बताइए आप। आपका कोई भी जिस शहर में आप रहती हैं, एक शहर से उस शहर के एक छोर से दूसरे छोर में भी नहीं पहुंच पाओगे आप 100 रुपये में। आपको टैक्सी का भाड़ा उससे ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। और आप जो है पेशेंट को
जान बचाने की, रेस्क्यू करने की, दवाओं को 100 रुपए में डिलीवर करने की बात कर रही हैं। तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट यहीं पे आड़े आ जाता है कि हमारे पास अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हम नहीं करते, हम अपने नॉलेज का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। देखिए, रीति रिवाजों को बदलना पड़ेगा, आप समझिए। बस मोटे तौर पर इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, रीति रिवाजों को बदलना पड़ता है और बदलते हैं। हाँ, जब बदल रहे होते हैं ना रीति रिवाज, तब जरूर थोड़ा सा वियर्ड और ऑकवर्ड लगता है करने वाले को कि अरे मैं यार वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, ये चलेगा नहीं चलेगा। अरे सब चलेगा भाई, ये कुछ नहीं है। जब ये मरते हैं ना यही मरीज, तो ये लाखों करोड़ों रुपए में खर्च कर देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी नुकताचीनी है होम्योपैथिक डॉक्टर के सामने ही आके निकलती है। वहाँ MD मेडिसिन DM के पास जाएगा, वो तो बात भी नहीं करता, उसकी रिसेप्शनिस्ट भारी 1000 का नोट रखवा लेती है और चुपचाप दे देगा, और दे देगा और फिर साला बैठा रहेगा 2 घंटे वहाँ पे, और 2 घंटे के बाद अंदर जाएगा तो डॉक्टर अलग चट्टी जलीकट्टी सुनाएगा इसको, और ये वहाँ पे जलीकट्टी सुन लेगा, और जलीकट्टी सुन के अपना सा मुँह लेके निकल आएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा इतने का इन्वेस्टिगेशन करा, वहाँ पे नहीं खुलेगा इसका मुँह, अरे सर इसकी क्या जरूरत है, ये तो नहीं है, वहाँ सब कराएगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन 500 का हो कि 5000 का हो, ये साला कराएगा। कराने के बाद फिर उसी लाइन में जाकर बैठेगा, फिर डॉक्टर को दिखाएगा, उसकी जलीकट्टी सुनेगा, और उसके बाद वो डॉक्टर 2-3 हजार रुपये की दवा मिल लिखेगा, ये साला सब करेगा। यही इसी पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यही पेशेंट पारोल जी आपके पास और सैयद जी आपके पास आएगा तो ये 50 बातें करेगा, ये आपके लेट मिलने के ऊपर आपसे सवाल करेगा। मान लीजिए आप अपनी क्लिनिक में नहीं पहुंचे, मेरे पास साथ कभी होता है, मैं अपनी क्लिनिक में नहीं पहुंचा, पेशेंट खड़ा है, उसका कॉल आया, मैं इंतजार ही करता हूं कि ये मेरे को कुछ बोले इस बात पे, फिर मैं इतना लंबा लेक्चर पिलाता हूं ना कि वो साला अगली बार मुंह नहीं खोलता मेरे सामने। तो पेशेंट किसी के नहीं होते। यही जो आदमी जो एलोपैथ के पास इतना शरीफ बनता है, आपके पास आएगा, आपकी फीस पे सवाल करेगा, ये बहुत सारे सवाल करेगा, आप मेडिसिन कौन सी यूज करते हो, ये मेडिसिन के अंदर तो मेरे को दवा नहीं दिख रही। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, मैं इस तरह की मेडिसिन बना के रखता हूँ, अब इसमें क्या है अल्कोहल उड़ जाता है, तो गधों को तो अल्कोहल ही दवा लगती है। आजकल तो कई डॉक्टर जो है गधे डॉक्टर है उनको भी अल्कोहल ही दवा लगता है। तो ये बहुत बातें करते हैं, साहब आपकी मेडिसिन के अंदर तो गीला गीला नहीं लगता, वो मैं उस डॉक्टर के पास गया था वहां तो वो गीला गीला होता था, ठीक है ना। वो आपके मुंह लगने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपको आपको डॉक्टर नहीं समझते, वो आपको एज ए डॉक्टर ट्रीट ही नहीं करते। और ये कब करेंगे कि आप इनसे स्ट्रिक्टली डील करो। एक डॉक्टर होने के नाते हमको कम से कम बोलना है, अपने पेशेंट से बहुत ज्यादा मुंह नहीं लगना है, और पेशेंट से किस बारे में हम बात करेंगे नहीं करेंगे उसकी हमको एक लिमिटेशन डिसाइड करनी है। आपका ये जवाब, ये आपका जवाब से रिलेशन रखता है सैयद जी, जो आपने मुझसे पूछा कि हाउ टू चार्ज इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कैसे चार्ज करना, मैं उसका बता रहा हूँ। सबसे पहले बी क्लियर, आपका वेटिंग रूम होगा, वेटिंग रूम में आप अपनी रेट लिस्ट पूरी लगा दो। अगर आप पैकेज में काम कर रहे हो तो आप पैकेज का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दो, 15 दिन में इतने का इंक्लूडिंग मेडिसिन, 1 महीने में इतने का, 2 महीने में इतने का। जो दूसरा तरीका है फीस चार्ज करने का कि स्ट्रेट फॉरवर्डली फीस चार्ज करो, स्ट्रेट फॉरवर्डली हर पर्चे में। अब लोग बोलते हैं कंसल्टेशन में फीस ले लेते हैं, कंसल्टेशन में कई होम्योपैथ रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस ले रहे हैं, आपने सालों लेने की जरूरत क्या है रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस, साफ बोल के लो, क्या खैरात बट रही है क्या, फ्री में दवा चाहिए वो चला जाओ बोलना कहीं पे, वो दत्त मंदिर और ऐसे गुरुद्वारे कहीं पे जैन मंदिर में क्लिनिक चलती जाओ, वहां पे लाइन लगा के बैठ, मिलेगी वहां फ्री में दवा खाना वहां जाके। सीधी सी बात, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो मेरी टोन है ना ये टोन आपकी होनी चाहिए पेशेंट के साथ। धर्मार्थ नहीं चल रहा है, आधी जिंदगी खपा के यहाँ पे आए हैं, पैसा लगेगा, जिंदा रहना है तो पैसा खर्च कर, नहीं तो मर बाढ़ में जा, यही आपका कंडक्ट होना चाहिए एज ए होम्योपैथ। जो कंडक्ट एलोपैथों का क्या है पेशेंट को लेके, वो सीधे बोलते हैं ना भाई दादा पैसा है तो जिंदा रहोगे, नहीं तो खाली करो बिस्तर बाहर जाओ तेल लगाने जाओ, हमको लेना देना नहीं, तो मर रहे हो जी रहे हो हमको नहीं लेना देना, हम क्यों कंसीडर करें। और आप लोगों को एज ए डॉक्टर इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपका फीस स्ट्रक्चर। तो बार बार मैं इधर उधर चला जाता हूँ यार भावनाओं में बह के, अब मैं मेन चीज बता रहा हूँ कि या तो आपने अपनी रेट लिस्ट लगा दी पैकेज वाला सिस्टम, या तो अपनी आप फीस बताओ उसको। आप अपनी फीस बता दो कि बेटा मैं जितनी बार दिमाग चलाऊंगा, मेरे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो नुक्ताचीनी करते हैं तो उनके लिए मैं दोनों पैकेज लगा के रखें कि मैं जितनी बार दिमाग चलाऊंगा मैं पैसे लूंगा, तो
तू हर बार आएगा, हर बार जितनी बार मैं दिमाग चलाऊंगा तेरा प्रिस्क्रिप्शन को रिवाइव करूंगा, मतलब कहने का मतलब हर प्रिस्क्रिप्शन पर मैं चार्ज करूंगा, मैं 15 दिन या 1 महीने की दवा दे रहा हूँ। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं कोरोना काल के अंदर में 1 महीने की ही दवा दे रहा हूँ, मैं 15 दिन में लोगों से एनकाउंटर होना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मैं उससे 2 बार मिलूं महीने में, मैं चाहता हूँ महीने में 1 ही बार मिलूं। तो इन दैट केस मैंने अपनी फीस बता के रखी हुई है। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। इन दैट केस अगर आप फीस लगा रहे हो उसको, हर विजिट पे फीस लगा रहे हो, देन द चार्जेस ऑफ योर मेडिसिन शुड बी वेरी नॉमिनल। ये हमेशा याद रखना, आपके मेडिसिन के चार्जेस बिल्कुल मिनिमम रखोगे आप। जो आपके शहर के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के रेट लगे रहते हैं ना, जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर के बाहर एक वो लगी रहती है, एक पर्ची लगी रहती है, एक चिपकी लगी रहती है, एक चार्ट लगा रहता है, आपको उस चार्ट के हिसाब से रेट चार्ज करना है। देखिए दोस्तों, कोई छुपा हुआ चार्ज लेने से की उससे जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास बहुत नॉलेज है और आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप ये चीज समझो कि आप बहुत बड़ा ज्ञान आप लेके बैठे हो और इस दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टरों में से आपकी गिनती होती है अगर आप होम्योपैथ हो और आप पढ़े लिखे हो। अगर आप होम्योपैथ हो और अगर आप पढ़े लिखे लिटरेट होम्योपैथ हो तो मैं बता रहा हूं आप इस दुनिया के टॉप डॉक्टर्स में से बिलोंग करते हो। और आपको ऐसे सर्वाइवल के लिए नहीं है परेशान होना आप, मतलब हम लोग सर्वाइव करने के लिए परेशान है यार, ऐसा थोड़ी होता है। हम पैसा कमाएंगे, लपक के पैसा कमाएंगे और भयंकर पैसा कमाएंगे। हम पैसा कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम दुकान का किराया, घर का खर्चा निकालने के लिए, किराने का पैसा निकालने के लिए नहीं आए, सीधी सी बात है। तो जैसा आपका अगर कंडक्ट आपने पेशेंट से बदल लिया ना एक बार, तो आपको बस एक आध साल लगेगा, एक आध साल बाद आप देखोगे रोलिंग में वही चीजें आ जाएंगी। जो चीज आज करने से आप डर रहे हो, आप सीधा मुंह खोल के पैसा मांगने से डर रहे हो, ठीक है ना, आप कितना डर रहे हो, आज से एक साल बाद अगर आप ये इस वीडियो को ढंग के देख के आत्मसात कर लेंगे और ये चीजें कर लेंगे, आपको हंसी आएगी कि यार बताओ यार, इतने साल तक मैं यही जद्दोजहद में लगा रहा कि मैं पैसे कैसे मांगू, मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। मुंह खुलेगा, नॉलेज लाइए, एटीट्यूड लाइए, ज्ञान लाइए। ज्ञान से ही एटीट्यूड आता है, नॉलेज आएगा, एटीट्यूड अपने आप आएगा, बहुत अच्छा एटीट्यूड आएगा। हमारा ऐसा एटीट्यूड है, बड़े बड़े एमडी मेडिसिन नहीं खड़े होते सामने, 2 मिनट में पानी पिलाता हूँ, औकात दिखा देता हूँ कि देख ले तू, शक्ल देख आईने में, ये है तू, और बात मत करियो आगे से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको हिडन चार्जेस लेने की आवश्यकता कतई नहीं है भाइयों, कोई हिडन चार्जेस लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये भी बताता हूँ होम्योपैथ हिडन चार्जेस लेते कैसे हैं। अगर मान लो पैकेज है, तो पैकेज के अंदर कुछ दवाओं की कीमत है, कहीं ना कहीं ये लोग चार्ज कर रहे हैं काय का फीस का हिडन चार्ज पर, यहाँ पे नहीं है तो बोल के चार्ज कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको हिडन नहीं मानता। मैंने पैकेज डिसाइड कर लिया ना, तेरे को उतना पैसा देना है इतने दिन की दवा का, करना है कर, इलाज नहीं तो आगे बढ़, ठीक है। दूसरा, दवाएं महंगी करके बताते हैं, कई लोग बताते हैं, जैसे मान लो उनने 400 रुपये चार्ज करा 15 दिन की दवाओं का, तो दवाओं की कीमतों को बढ़ा के बताते हैं पेशेंट को, ये हिडन चार्ज हुआ ना, कि वो जो 25-30 रुपए का एक ड्राम मिल रहा है मार्केट में, आप वो बता रहे हो 100 रुपए का एक ड्राम है, तो हिडन चार्ज है। दूसरी तरह से हिडन चार्जेस लोग लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कि आप पहली बार आए हो हमारे यहाँ, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड फाड़ जैसी वो बकैती रख लेते हैं, वो भरवाते हैं, उसके नाम पे हिडन चार्ज लेते हैं। चौथी चीज, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं कितनी आपको गिनाऊंगा, हिडन चार्जेस का मतलब कोई अतः नहीं है। हाँ, चौथी चीज, पेटेंट देके, पेटेंट में क्या है, 60% मार्जिन होता है, 100 रुपये का पेटेंट है, हमको घर में 40 रुपये का पड़ता है। तुम होम्योपैथ भक्कम पेटेंट बांट के फिर रहे हैं, क्यों बांटते फिर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ दवाएं और एक ये पेटेंट और ये मिला के 4-5 चीजें मिला के मेरे 400 रुपये बन जाते हैं, उस 400 रुपये में से 250-300 रुपये मेरे को छूट जाता है। तो ये पेटेंट देके भी एक हिडन चार्जेस बढ़ाते हैं होम्योपैथ। जरूरत से ज्यादा मेडिसिन देना, ऐसी मेडिसिन उनको खुद को नहीं पता काय को दे रहे हैं, प्लेसिबो बांट देते हैं, पता चला लाइकोपोडियम ही समझ में आई, लाइकोपोडियम की पुर्ची पुड़िया बना दिया, पेशेंट को पता है कि पेशेंट एक पुड़िया का 500 रुपये तो देगा नहीं, तो खूब सारे पेटेंट भर दिए, पीने के लिए भी रेक्टिफाइड स्पिरिट दे दिया ना, सब 3 टाइम कर दिया, ये हिडन चार्जेस हैं। तो दोस्तों, आपको हिडन चार्जेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरी पीछे आप मेरी फार्मेसी देख रहे हैं, एक पेटेंट दिख रहा है, एक भी पेटेंट नहीं है। मैं चार्जेस लेता हूँ, अच्छे खासे लेता हूँ, ठीक है ना, और पेशेंट देता है हंस के,
क्योंकि उसको पता है, अरे वो सस्ते में निपट रहा है भाई। जो पहले वीडियो का शुरुआत में ही मैंने एग्जांपल एक बुखार का दिया था कि बुखार में 1500-1600 रुपए से एक निपटता है पेशेंट। अगर कोई होम्योपैथ 300 रुपए भी ले रहा है 5-7 दिन की दवाओं के या 15 दिन की दवाओं के उस फीवर के केस में, तो क्या महंगा है क्या? वो नहीं है महंगा, पर वो लेने को ही तैयार नहीं। आप लोगों को मांगने में फटेगी तो फिर कैसे कमाओगे यार? सीधी सी बात, पैसा मांगने में फटेगी। फटती क्यों है पैसा मांगने में? मांगो ना भाई। पर वो आदमी पैसा मांग पाएगा? पैसा मांगने के लिए एक नॉलेज का बैकअप लगता है पीछे से। जब आपके अंदर नॉलेज होता है ना, तो नॉलेज का एक आपके पर्सनैलिटी में बैकअप आता है, और वो बैकअप आपको बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड पे जाके अटका देता है कि बेटा तू इससे कम तो डिजर्व करता ही नहीं, इससे कम तो लूंगा नहीं, चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे सड़क पे आ जाऊं, चाहे मैं तगारी उठा लूंगा, पर इससे कम चार्ज नहीं करूंगा। तो दोस्तों, नॉलेज लाइए, एटीट्यूड लाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट को जनरेट करिए, और आप ये समझिए पहले कि आप लोग बहुत कीमती हैं। अगर आप होम्योपैथ हैं और लिटरेट पढ़े लिखे होम्योपैथ हैं, तो आप ये मानिए कि आपकी 35-40 साल की प्रैक्टिस तक आप 10 लाख रुपए महीना आराम से कमाने लगेंगे। ये आज की बात नहीं कि अपन लोग इतनी छोटी बात पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ रहे हो कि सर इस पे वीडियो बना दो। तो आज से 10 साल बाद आप भी हंसोगे इस बात पे, और कहीं ना कहीं मैं भी सोचूंगा कि यार वो बताओ यार, एक जमाना था कि होम्योपैथी की ये स्थिति थी कि मेरे को ऐसे कमेंट आते तो ऐसे वीडियो बनाने पड़ते थे। दोस्तों, भविष्य सिर्फ होम्योपैथी का है। आज से आने वाले 300-400 साल के अंदर ये बाकी सारी पैथियां एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, सिर्फ होम्योपैथी ही बचेगी, और होम्योपैथी ही रूल करेगी इस पूरे के पूरे विश्व की मेडिकल फिटर्निटी पे। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, उम्मीद है आपको पसंद होगा। पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।